कई बार आप लोगों का पैन कार्ड कहीं पर गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है और आप सब लोगों को अपने पैन कार्ड का नंबर भी पता नहीं होता है, तो आप लोग बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर अब हम लोगों का पैन कार्ड कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है incometax.gov.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो इनकम टैक्स का न्यू अपडेट आया हुआ है, यानी कि जो नया वेबसाइट है, हम लोग दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अदर सर्विसेज, तो आपको अदर सर्विसेज के ऑप्शन पर चले आना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है शो मोर का ऑप्शन, तो आपको शो मोर के बटन पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप शो मोर के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टैंड ई पैन, ठीक है, तो आपको इसी वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अगर आप लोग फ्री में पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं देना है, ना ही कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग 5 मिनट के अंदर ही अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं और उसे आप लोग डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने दोस्तों बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख करके अपना नया पैन कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा चेक स्टेटस डाउनलोड्स पैन, तो आपको दोस्तों इसी वाले ऑप्शन पर जो कंटिन्यू के बटन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। ध्यान रखना, आप लोग वही पैन कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो पैन कार्ड आपने इसके माध्यम से बनाया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। पर आप लोग देखेंगे OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। आप लोगों के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है, उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया गया है। दोस्तों, आप उस OTP को इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे ही आप OTP को फिल करते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेंगे। OTP को जैसे ही आप फिल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दे रहा है डाउनलोड्स ई पेन, यहाँ से व्यू ई पेन। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपने पैन कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पैन कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ई पेन के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पैन कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। दोस्तों, जब भी आप पैन कार्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो चलिए, इसे ओपन करके आपको बताते हैं आप क्या इसमें पासवर्ड डालेंगे। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या, भी प्रॉब्लम आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।